शहबाज के साथ मैं हूं आपका होस्ट शहबाज। आज मैं मौजूद हूं फेरियर हॉल में। ये कब बना, किसने बनाया, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। इसकी तामीर का आगाज 1863 में हुआ और कंप्लीट 1865 में हो गया। बिल्डिंग के चारों तरफ गार्डन बनाया गया है जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देता है। सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद जब भी मैं फ्री होता हूं और रिलैक्स होने के लिए यहां चला आता हूं। यहां की खूबसूरती मेरी थकन ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। इसका जो डिज़ाइन था वो हेनरी सैंड क्लियर वाल्कन्स ने बनाया और इसकी तामीर पर तकरीबन 1,80,000 रुपये खर्चा आया। फेरियर एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जो अपने माशी कामों की वजह से जाना भी जाता था, जिसकी वजह से इसका नाम फेरियर रखा गया। गार्डन में बेंच भी रखे गए हैं जहाँ पे फैमिलीज और बुजुर्गों और बच्चों के बैठने की जगह भी है। फेरियर एग्जीबिशन हॉल की खूबसूरती है, यहाँ इतवार के दिन बुक स्टॉल भी लगाया जाता है जिसमें नुमाया इंग्लिश हिस्ट्री और लिटरेचर के नावल और ड्रामे भी मौजूद हैं, जिनमें शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोवे के नावल और ड्रामे भी रखे गए। फेरियर हॉल को वेनिशियन गोथिक स्टाइल में बनाया गया है जिसमें ब्रिटिश और मकामी महारत का खूब इस्तेमाल किया गया है, जो उस वक्त फन तैमीर के लिहाज से एक शाहकार महारत समझी जाती थी।
उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।